નમસ્કાર. ઇન ગુજરાત ન્યૂઝના આજના વિશેષ કાર્યક્રમમાં આપ દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ઇન ગુજરાત ન્યૂઝ ચેનલના સ્ટુડિયોમાં આપણી સાથે મોજૂદ છે ધ્યાન ગુરુ અર્ચના દીદી. આપણે એમનું સ્વાગત કરીએ. ધ્યાન ગુરુ અર્ચના દીદી, આપકો લોગ પ્યાર સે આપકા યે નામ ક્યું પસંદ કિયા હૈ? અર્ચના દીદી, મેં જો હૈ વો બહોત છોટી આયુ સે ધ્યાન કરતી રહી, લેકિન સદગુરુ કી આજ્ઞા પર, उनके आदेश पर मैंने ध्यान सिखाना शुरू किया. जब ध्यान सिखाना शुरू किया और ध्यान करते करते लोगों को अनुभव प्राप्त होने लगे, तो बस उन्होंने मुझे प्यार से, प्रेम से, श्रद्धा से अर्चना दीदी कहना प्रारंभ कर दिया. हाँ, सुना है कि लोग आपको फेसबुक पर भी सुनते हैं, तो आपके ध्यान में ऐसी कौन सी बात है कि लोग आपको फेसबुक पर सुनने के लिए भी आते हैं? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सभी एक साधन है ध्यान से जुड़ने के लिए, व्यक्ति से जुड़ने के लिए, साधना से जुड़ने के लिए. मेरी साधना में कुछ अलग नहीं, कुछ विशेष नहीं. मेरी साधना ऋषि मुनियों की ही धरोहर है. जो ऋषि मुनियों ने सिखाया, जो उनसे प्राप्त किया, सद्गुरु की कृपा से मैंने जो पाया, बस उसको बांटने का प्रयास मैं करती हूँ. लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि मेरा प्रयास विधियों पर नहीं रहता. मेरा कार्य आपको ध्यान की विधियां सिखाना नहीं है. मेरा कार्य रहता है, मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको ध्यान का अनुभव दे सकूं. और जब व्यक्ति को ध्यान का अनुभव हो जाता है, तो उसके सारे प्रश्नों के उत्तर उसे स्वयं से मिल जाते हैं. और आपका वो अनुभव, आपका वो प्रेम, आपका वो आनंद, जो आपको उस ध्यान के अनुभव से, ध्यान की अनुभूति से मिलता है, वो अनुभव, वो अनुभूति आपको खींच कर ले आती है ध्यान की ओर. और वो खींचना, वो आना मेरी ओर आना नहीं है, उस परमात्मा की ओर आना है. आप जो मेरी ओर आते हैं, वो मेरी ओर नहीं आते, ध्यान शिविरों की ओर नहीं आते. वो परमात्मा की पुकार होती है, उसका संदेश होता है, उसका इन्विटेशन होता है, उसका आमंत्रण, उसका निमंत्रण होता है. और उस निमंत्रण, आमंत्रण पर सभी लोग खींचे चले आते हैं. आपने ध्यान प्रवचन किन किन से राज्य में किया है अभी तक? आप कौन कौन से राज्य में गए हैं? मेरा ध्यान शिविर काफ़ी राज्यों में भारत देश के हो चुके हैं, जिसमें गुवाहाटी में भी कार्यक्रम हो चुका है, दिल्ली में, गुजरात में, बहुत सी जगहों पर मेरा कार्यक्रम होता रहता है, बॉम्बे में. और साथ ही साथ विदेशों में भी मेरे कार्यक्रम होते हैं, जिसमें अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह ध्यान शिविर लगते रहते हैं. आप ध्यान किसे कहते हैं ये बताइए कि इसके क्या लाभ है और ध्यान क्यों करना चाहिए? ध्यान किसे कहते हैं? हाँ, ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान का अर्थ है स्वयं से जुड़ने की कला. ध्यान का अर्थ होता है स्वयं को खोजना और स्वयं को पा लेना. स्वयं को खोकर स्वयं को पा लेना ध्यान है. यह आपको विचित्र जरूर लगेगा कि जब हमने खुद को खो दिया तो खुद को पाएंगे कैसे, लेकिन बस इसी को ध्यान कहते हैं. स्वयं को खोने का अर्थ ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को भूल जाएंगे. ध्यान का अर्थ होता है जो भी तनाव, जो भी बाहर की परतें आपको परेशान करती हैं, वो सब धुल जाती हैं, वो सब दूर हो जाती हैं, और आप अपने भीतर के प्रकाश, भीतर की आत्मा से एक हो पाते हैं, उस आनंद स्रोत्र से एक हो पाते हैं जिससे अभी तक आप दूर थे, उस परमात्मा के निकट हो पाते हैं जिसे आप पूरे संसार में बाहर ढूंढते थे लेकिन उसे पा नहीं पाते थे. अब अपने भीतर उतर कर आप उसे पा लेते हैं, उसका अनुभव कर लेते हैं. ध्यान का अर्थ होता है स्वयं से जुड़ने की कला. ध्यान का अर्थ होता है स्वयं को पाने की कला. ध्यान का अर्थ होता है उस परम शक्ति से एक हो जाने की कला. ध्यान का अर्थ होता है आनंद के लोक में प्रवेश कर जाना. ध्यान का अर्थ होता है उस परम शक्ति से एक होकर उसी में विलीन हो जाना. ध्यान का अर्थ होता है मोक्ष को पा लेना. ध्यान का अर्थ होता है सफल हो जाना, इस संसार में भी और इस संसार के पार भी. बस इसे कहते हैं ध्यान. चक्र साधना क्या है? आप
उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ध्यान की अनेक अनेक विधियाँ होती हैं, अनेक प्रकार होते हैं। ध्यान में आप प्रार्थना योग में भी प्रवेश कर सकते हैं, परमात्मा तक चल सकते हैं। आप चाहें तो भक्ति योग के माध्यम से भी प्रवेश करते हैं। और एक मार्ग होता है जिसे ध्यान मार्ग कहते हैं। ध्यान में बहुत सी अलग अलग विधियाँ होती हैं। श्वासों पर ध्यान टिकाया जा सकता है, अपने भीतर ध्यान टिकाया जा सकता है, और भीतर ध्यान टिकाया जाता है चक्रों पर। चक्र कहे जाते हैं एनर्जी सेंटर्स। आपके शरीर में ऐसे ऊर्जा के सेंटर्स हैं जिसे एनर्जी सेंटर्स, जिसे हम चक्र कहते हैं। चक्र साधना का अर्थ होता है उन चक्रों के ऊपर ध्यान टिकाकर, उन एनर्जी सेंटर्स पर ध्यान टिकाकर, ऊर्जा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से वहां पर उन चक्रों को एक्टिवेट करना, उन चक्रों को जागृत करना, उन चक्रों को सक्रिय करना। और ये विज्ञान मेरी कोई टेक्निक है ऐसा नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल साइंस है जो आपके ऋषि मुनियों ने लाखों वर्षों पूर्व आपको दी थी। उसके माध्यम से आप अपनी सोई ऊर्जा को जगाते हैं, आप अपने जीवन में जो भी परिवर्तन चाहते हैं चक्रों के माध्यम से आप कर सकते हैं। किसी भी चक्र में अलग अलग सोई शक्तियों को जगाकर आप अपने जीवन में वैसा ही परिवर्तन कर सकते हैं। आपके रोगों में, अनेक रोगों में आपको लाभ मिलता है, आपको जीवन में लाभ मिलता है, आपकी पर्सनालिटी में चेंज आता है, आपके बिहेवियर में चेंज आता है, यहाँ तक कि संसार में अगर आपको मुश्किल बहुत आती है, व्यापार में मुश्किल बहुत आती है, जीवन में हर जगह पर जाकर रुकावटें आती हैं, चक्र साधना के माध्यम से आप उन रुकावटों को दूर कर सकते हैं। जो आप हैं, जहाँ आप हैं वहाँ आनंदित हो सकते हैं, वहाँ पर उत्सव मना सकते हैं। और उत्सव बाहर का नहीं, आपके भीतर का उत्सव, भीतर का आनंद। चक्र साधना के माध्यम से ये सारे लाभ हैं जो आपको प्राप्त होते हैं। आप अर्चना दीदी अभी तक संगीत के साथ जुड़ी थी, तो चक्र साधना में आपका क्या योगदान है अभी? संगीत जी, आप संगीत के साथ अभी तक जुड़ी थी। संगीत भीतर का नाद होता है, भीतर के नाद से जुड़ना ही ध्यान होता है। तो संगीत तो इस संसार के कण कण में है। जब हवा पत्तों को छूकर स्पर्श करके निकलती है तो वो भी संगीत है। जब नदी बहती है तो वो जल का प्रवाह भी एक संगीत उत्पन्न करता है। जब आप भीतर के शून्य में प्रवेश करते हैं तो जो नाद प्रकट होता है वो भी संगीत है। तो संगीत से जुड़ने का अर्थ है इस पूरे संसार में जो परमात्मा की ध्वनियाँ गूंज रही हैं उससे जुड़ना। जब आप भीतर उतरते हैं, भीतर जागरूक होते हैं ध्यान के माध्यम से, तो आप परमात्मा के उस संगीत को सुन पाते हैं, उस संगीत से जुड़ पाते हैं। आज का जो हमारा यूथ है, क्या उसे भी ध्यान करना चाहिए? जो हमारे स्टूडेंट है, तो ये ध्यान से क्या लाभ हो सकता है, ये आप हमारे स्टूडेंट को बताइए। मैं ये कहना चाहूंगी कि ध्यान सभी के लिए बहुत आवश्यक है। ध्यान आपको आपसे मिलाने की एक कला है। ध्यान का बाहर कुछ खोजना, बाहर कुछ पाना, किसी भगवान को पाना या कहीं और जाना नहीं है। ध्यान का अर्थ है स्वयं से मिलना, स्वयं से जुड़ना। आज हम इतने तनाव ग्रसित हैं उसका कारण क्या है? हम अपने आप से दूर हो गए। ध्यान के माध्यम से जब आप खुद से जुड़ते हैं, खुद से प्रेम करते हैं, अपने भीतर उतर कर उस परम ऊर्जा से जुड़ते हैं, तो आप पाते हैं कि आप आनंदित हो गए। आप ये देखते हैं कि तनाव हर स्थान पर है। आज के अगर यूथ को देखें तो यूथ का अर्थ होता है, युवा का अर्थ होता है जिसके अंदर ऊर्जा भरी हुई है, जिसके अंदर ऊर्जा जागृत है, उसे हम युवा कहते हैं। लेकिन आप देखिए कि आज का युवा जिसके अंदर बहुत ऊर्जा है लेकिन उस शक्ति को एक सही दिशा नहीं मिलती, इसलिए आज का यूथ तनाव से ग्रसित हो जाता है। कितने यूथ हैं जिन्हें दिशा ठीक से नहीं मिल पाती और वो इतने तनाव से ग्रसित हो जाते हैं कि स्वयं की हानि कर देते हैं। हम देखते हैं कि उनको थोड़ा सा तनाव आया, थोड़ा सा स्ट्रेस आया और वो गलत दिशा में चल पड़ते हैं। इन सब से बचने के लिए आज के यूथ को मेडिटेशन की ओर, ध्यान की ओर आना चाहिए।
जैसा मैंने कहा, मैं फिर से रिपीट करूंगी कि ध्यान का अर्थ धार्मिक हो जाना या किसी धर्म से, किसी रिलीजन से जुड़ना नहीं है। ध्यान का अर्थ है एक ऐसी स्पिरिचुअल साइंस जो आपको खुद से मिलाती है। जब आप भीतर से शांत होते हैं तो बाहर का कोई तनाव आपको परेशान नहीं कर पाता। आपके मन को, आपकी ऊर्जा को एक सही दिशा मिलती है। आप देखते हैं कि ध्यान के माध्यम से आपकी मेमोरी शार्प होने लगती है। ध्यान के माध्यम से आपका तनाव दूर होने लगता है। ध्यान के माध्यम से आपकी एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगती है। ध्यान के माध्यम से आपके भीतर जागरूकता बढ़ने लगती है। ध्यान के माध्यम से आपकी वाणी में प्रभाव आने लगता है। ध्यान के माध्यम से आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी जागृत होने लगती है। ध्यान के माध्यम से आप अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा दे सकते हैं। ध्यान के माध्यम से आप अपने जीवन में एक सही निर्णय ले पाते हैं। ये सब होता है ध्यान के माध्यम से। इसलिए मैं आज के यूथ से कहना चाहूँगी कि आप मेडिटेशन से जुड़ें। मेडिटेशन का अर्थ संसार छोड़ना बिल्कुल नहीं है। मेडिटेशन का अर्थ है स्वयं से जुड़ना। मेडिटेशन का अर्थ सब कुछ छोड़कर खाली बैठ जाना नहीं है। मेडिटेशन सफलता की कुंजी है। मेडिटेशन वो मार्ग है जो आपको सफलता के चरम सीमा तक ले जाती है, चरम शिखर तक ले जाती है। ध्यान वो माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। इसलिए जुड़िए ध्यान से। ये शिवोहम चक्र साधना जो है, जो सूरत में पहली बार होने जा रही है, आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। शिवोहम अर्थात अपने आप को उस परमात्मा से एक करना। अभी हम ये मान के बैठे हैं कि हम हैं और परमात्मा है, ये दो अलग अलग हैं। हम पूरे संसार में उसके प्रतीक बनाते हैं, उसका पूजन करते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे पूजन के माध्यम से हम उस तक पहुंच रहे हैं। शिवोहम का अर्थ है अपने भीतर उतरना और अपने भीतर उसे पाना। शिवोहम का अर्थ किसी धर्म से जुड़कर भगवान शिव तक पहुँचना ही नहीं है। भगवान शिव का अर्थ है परम आत्मा, परमात्मा, वो परम शक्ति। उसे आप शिव नाम दीजिए या कोई भी नाम दीजिए, शिवोहम साधना है अपने भीतर उस परम शक्ति को जागृत करना, उसे पाना। उसे पाना जिसे हम पूरे संसार में, पूरे विश्व में ढूंढते रहे परंतु बाहर वो कहीं नहीं मिला। कितनी बार हमने उसे पुकारा, कितनी बार हृदय में पीड़ा हुई, आंखों में अश्रु आए, हमने उसे पुकारा और उसे कहा कि आकर हमारे हाथों को थाम ले। कितनी बार ऐसा लगा कि वो हमारी प्रार्थनाएं सुनता ही नहीं, हमारी प्रार्थनाएं उस तक पहुंचती ही नहीं। शिवोहम का अर्थ है कि अब तक हम बोलते थे और वो सुनता नहीं था। शिवोहम का अर्थ है, ध्यान का अर्थ है कि अब वो बोलेगा और हम सुनेंगे। शिवोहम का अर्थ है अपने भीतर उस परमात्मा को जागृत करना। शिवोहम का अर्थ है कि बाहर के तीर्थों में बहुत दर्शन कर लिए, अब भीतर अपने हृदय को एक मंदिर बनाना है। अब आह्वान करना है परमात्मा का, आह्वान करना है उस ईश्वर का अपने ही भीतर। उसे पुकारना है और वो आता है। शिवोहम का अर्थ है ये जान लेना कि आप उस परम शक्ति का अंश हैं। कैसे? ये अंश उस परमात्मा से एक हो सकता है। कैसे जीवात्मा परमात्मा से एक हो सकती है? कैसे एक साधक अपने परमात्मा में विलीन हो सकता है? कैसे हमारे भीतर उस परम की ऊर्जा उतर सकती है और हमें अपने से एक कर सकती है? बस यही है शिवोहम साधना, जो आपको आपसे मिला दे, जो आपके भीतर उस परम शक्ति को उतार दे और उसकी ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित होने लगे, आनंद बनकर, शांति बनकर, सुख समृद्धि और सौभाग्य बनकर। बस इसी को कहते हैं शिवोहम साधना। अष्टा दीदी, आप जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगी?
मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि ध्यान, मेडिटेशन, अध्यात्म चर्चा का विषय नहीं। मैं यदि आपको शब्दों से समझाना प्रारंभ करूं कि ध्यान किसे कहते हैं, अध्यात्म किसे कहते हैं, वो कौन सा आनंद है जो उससे मिलकर प्राप्त होता है, भीतर क्या होता है, कौन सा अनुभव होता है जब उसके दर्शन होते हैं, जब हम उससे एक होते हैं, यदि मैं शब्दों में समझाने का प्रयास भी करूं, तो यकीन मानिए कि आप उसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके संबंध में कहा जाता है कि ये गूंगे के मुंह में गुड़ का स्वाद है। जैसे एक व्यक्ति ऐसा हो जो बोल नहीं सकता, आप उसके मुंह में गुड़ रख दें या कोई मीठा पदार्थ रख दें, अब आप उससे पूछें कैसा है, अब वो आंखें बंद करेगा और उसका स्वाद लेता रहेगा। अब वो आपको कैसे बताए कि क्या मुझे मिल गया, उसके आंखों के अश्रु बताएंगे, उसका चेहरे का हाव भाव बताएगा, उसका रोम रोम बताएगा, लेकिन उसके पास शब्द नहीं होंगे। ऐसे ही परमात्मा का अनुभव है, ऐसे ही ध्यान है। शब्दों में बताने के लिए अगर मैं समझाने का प्रयास करूं तो शायद घंटों बीतते जाएंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा और मैं कहती चली जाऊंगी। इससे कहीं बेहतर है कि आप सभी एक बार ध्यान के उस अनुभव को प्राप्त करें, ध्यान के माध्यम से जुड़ें। ध्यान का अनुभव जो मैंने पाया अपने सद्गुरु की कृपा से, जो पाया उस परम की कृपा से, आप सभी को आमंत्रण है, आप सभी को निमंत्रण है कि आप सभी ध्यान से जुड़ें, परम आत्मा से जुड़ें और उस आनंद की अनुभूति करें। सूरत में मैं शिवोहम साधना के माध्यम से आप सभी को आमंत्रण दे रही हूँ उस शिव धाम की ओर, उस परमात्मा के लोक की ओर जो आपके भीतर के, उसके द्वार खुलेंगे, हम सब मिलकर पुकारेंगे और आपके भीतर के परमात्मा के मंदिर के द्वार वो आपके लिए खोलेगा। मैं दिल्ली से यहाँ तक परमात्मा की उन कृपाओं को बरसाने के लिए आपके मध्य में हूँ, लेकिन झोली फैलाकर अब उस कृपाओं के कणों को आपने संभालना है। इसलिए पहुंचिए, कल सुबह से यहाँ पे कार्यक्रम है शिवोहम साधना का, और ये निमंत्रण आमंत्रण मेरी ओर से नहीं, ये परमात्मा की ओर से आप सभी के लिए है कि आप सभी वहाँ पर पहुंचें और अनुभव करें अपने भीतर के शिवोहम का। अर्चना दीदी नु अपने खूब खूब अभिनंदन करीशू के अपना शो पर आया, आज नो कार्यक्रम अपनो अहीं समाप्त थाय छे। नमस्कार, धन्यवाद।